किसी भी वीडियो का कॉपीराइट हटाएं बिना वॉइस ओवर डिलीट किए। सबसे पहले हम अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करके देखते हैं हमारे इस वाले वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है। वीडियो का कॉपीराइट हटाने के लिए बिना वॉइस ओवर को डिलीट किए इस प्रोसेस के बारे में जानना है तो वीडियो को ज़रूर अंत तक पूरा देखें। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है youtube.com। सिंपली इतना लिखकर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आपका डेस्कटॉप साइट अनेबल नहीं है तो टिक करके इनेबल कर लेना है। इसके बाद रिडायरेक्ट हम उसी पेज पर वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें प्रोफाइल का आइकन देखने को मिल रहा है। सिंपली इस आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर YouTube स्टूडियो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्रोम ब्राउज़र को सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरह का नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना कि हमारे कौन से वीडियो में कॉपीराइट आया था। तो ये वाला हमारा वीडियो है जिसमें कॉपीराइट आया है। सिंपली इस वाले वीडियो पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। वीडियो का पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन कॉपीराइट। सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सी डिटेल, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा 2 मिनट का सॉन्ग यूज किए थे आशुतोष, तो हमारे वीडियो पे कॉपीराइट आ गया है। इसे अब क्लियर करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली 3rd वाले ऑप्शन म्यूट सॉन्ग, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 2nd वाले चेकबॉक्स पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे म्यूट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो एडिटिंग प्रोग्रेस में चला गया है। अब यहाँ पर लगभग 25-30 मिनट का समय लेगा। उसके बाद आपके वीडियो का कॉपीराइट बिल्कुल हट जाएगा और आपका वॉइस ओवर बिल्कुल सेफ रहेगा। इस ऑप्शन के द्वारा आपकी वीडियो में जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करते हैं सिर्फ वही बस यहाँ से डिलीट हो, ताकि आपका वॉइस ओवर बिल्कुल सेफ रहेगा। अब यहाँ हम ऊपर कट के निशान पर क्लिक करके इसे कट कर लेते हैं। बैक होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन में चेकिंग का ऑप्शन शो कर रहा है। सिंपली यहाँ पे हम कुछ देर बाद ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कंटेंट वाले वीडियो के आइकन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कॉपीराइट हट चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।